में लाया। मैं ज्यादा वक्त आप लोगों को नहीं दूंगा, बहुत कम टाइम है यहाँ पर। सिर्फ खातून एजुकेशन सोसाइटी के अगर मैं नुमाइंदगी करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो आप आज जो खातून एजुकेशन सोसाइटी को आज जो आप लोग देखते हैं, 2001 में शेख रशीद साहब की ही मेहनत और शेख रशीद साहब की ही कोशिशों का सदमा था। तो उस वक्त हम लोगों को डीएड कॉलेज की परमिशन वगैरह का मामला तय हुआ और आज इस मकाम पर हम लोग यहाँ हैं। जो इर्तका हुआ है खातून एजुकेशन सोसाइटी का, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शेख रशीद साहब और इनकी कोशिशें हमारे लिए बावर साबित हुई है। मैं शेख रशीद साहब का भी और पूरे खानवादे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो तालीमी मामला में उन्होंने काम किया है। उसी तरीके से एमजे प्राइमरी स्कूल की जो बात है, हमारे वालिबर शेख रशीद साहब के वालिद शेख शफी साहब, इन दोनों हजरात ने कोशिश की कि स्कूल कायम की जाए बिरादरी के नाम से, एमजे प्राइमरी स्कूल के नाम से। उस वक्त शेख रशीद साहब सदर बल्दिया थे और उस वक्त शेख रशीद साहब ने स्कूल के लिए जगह दी। तो हम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि शेख शफी साहब जो है वो भी तालीम के रखा रखते थे, कौम में कम्युनिटी में तालीम बढ़े, ये फिक्र शेख रशीद साहब के वालिद साहब को भी थी और कहीं ना कहीं वो दर शेख रशीद साहब में भी है, आसिफ साहब में भी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम जो भी हमारी तरफ से जो भी मदद हम कर सकें हमारे घर की तरफ से करेंगे। एक बार बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। शहर माले गांव की दीनी मिली समाजी फलाही रिफाही काम करने वालों का हमेशा खुदकफा खैर मकदम वालहाना इस्तकबाल और हमेशा हमेशा उनकी खिदमत का तहदिल से एतराफ किया। आली जनाब शेख रशीद साहब जिन्होंने 40 साल तवील मसाफती सियासी सफर अपना पूरा किया है, उनकी जो खिदमत है वो जग जाहिर। अखीर में एक जुमला कहना चाहता हूं कि हर चीज सिर्फ आंख से ही देखी नहीं जाती, बहुत सारी वो चीजें भी होती हैं जिन्हें महसूस किया जाता है। हर चीज सिर्फ आंख से देखी ही नहीं जाती बल्कि बहुत सारी वो चीजें भी होती हैं जो महसूस की जाती हैं। जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम ही जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम जिम्मेदारान की जानिब से साहिब एजाज आली जनाब शेख रशीद साहब की खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। उनके लिए जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की जानिब से बहुत सारी नेक तमन्नाएं, पाकीज़ा ख्वाहिशात, ढेर सारी दुआएं और दावा बिल्कुल जुड़ता है। छोड़े वो भुलाए नहीं जा सकते। ये खूबी जो मैंने साहब ने महसूस की, पिछली बातों को भूलकर नए रिश्ते इस्तवार करने की खूबी रही है। कुछ लोगों ने इससे गलत फायदा उठाया लेकिन वो सोचे तो उन्होंने सही किया या गलत किया। दिल के इंतहाई अच्छे हैं, अगर नाराजगी हुई है कोई बात हुई है मैंने महसूस किया कि थोड़ी देर में ये राजी हो जाते हैं और पिछली बातों को भूलकर नए सिरे से मामला को स्वीकार करने में माहिर है। और शायद यही वजह है शहर की सियासत में तोड़ मोड़ की सियासत जिसको भी बोली है, अपना मकसद हासिल करना, शहर को आगे ले जाने की गुफ्तगू करना, जो बात मैंने शेख रशीद साहब को पाई और किसी ने नहीं पाई। सिविल हॉस्पिटल हो, आगमान दवाखाना हो, पानी की स्कीम हो या दूसरी बहुत सारी चीजें, यहाँ मेरे साथ पावर लूम संगठन के कई लोग बैठे हैं, मुझे याद है वक्त में इन्होंने 56 करोड़ रुपया इस शहर के ऊपर जो सूद की शक्ल में लाना गया तो उसको माफ कराया था। इनके बाद इनके फर्जन जब आसिफ शेख रशीद साहब इस शहर के एम एल ए हुए, उर्दू मीडिया सेंटर हो, उर्दू घर हो, श
शहर में ढेर सारे कंप्यूटर का जाल बिछाकर तालीम के ढंग से अपने आप को रोशनास कराने की जो कोशिश हुई है उसमें अली जनाब शेख रशीद साहब का हमेशा हमेशा से पुरजुलूस साथ और उनकी रहनुमाई नहीं है। आज हम लोग 40 साल उनके खिदमत का यहाँ इतराब करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं एक बात को मानता हूँ, एक मुअल्लिम और एक सियासतदान कभी भी रिटायर नहीं होते, अपने फराज मुंतजिम से कभी भी वो रिटायर नहीं होते। आज अगर शेख रशीद साहब समझते हो कि बहुत कुछ उनका अब उसको आराम से जरूरत है तो मेरा एक मशवरा होगा कि उन्हें अपने ख्याल और अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक सियासतदान, एक अमली सियासतदान, एक पुरखलूस सियासतदान उम्र के किसी भी हिस्से में उसकी राय शहर और आवाम के लिए कारगर हुआ करती है। मैं दुआगू हूँ कि अल्लाह को लंबी सेहत देने कादेर आवाम और उनको मौजूद रखकर शहर की खिदमत इसकी भलाई के लिए जो आज तक पोषा रहे हैं वो आगे भी पोषण है। तमाम सर्वे ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंसाफ होंगे ये बात तय है
लोग की गद्दारी में दो वजीर हम लोग खो चुके हैं। तो एक शेर के साथ मैं रुखसती लूंगा कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। शुक्रिया। जनाब डॉक्टर शेखीन साहब और इस मजलिस के रहनुमा साहब एजाज शेख अब्दुल रशीद शेख शफी साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हमारी नशहर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस इस्तकबालिया तकरीब में मैं खुद अपनी जानिब से, जमात इस्लामी मारे गांव की जानिब से, अब्दुल जमाती तंजीम मारे गांव की जानिब से मैं मसूद को अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो खिदमत का एतराफ़ होता है, ये जहाँ एक तरफ गुज़िश्ता किए हुए कामों का एतराफ़ होता है, वहीं आगे के कामों के लिए महमीस का काम भी देता है, तरह का जो इसका प्रोग्राम होता है। तो सियासत के आपकी खिदमत के 40 साल पड़ाव पर हमको गौर करना यह भी चाहिए, खासतौर पर आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने जो कुछ किया उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं और आइंदा भी आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। और अब तो हमारे लिए ये बात भी बड़ी खुशाइन है कि आपका एक बड़ा कारनामा तो ये भी है कि आपने शेख आसिफ की शक्ल में शहर को अपना एक जानशीन दिया है। इंशाल्लाह बहुत सारी वो चीज़ें जो आपके ख्वाबो ख्याल में होंगी जो आप नहीं कर सके, इंशाल्लाह उनके जरिए से ये होगी। हम ऐसी कोशिश करते हैं, तमन्ना करते हैं और आपको नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। राम मंगेशर करी अम्मा हो, आज की इस इस्तकबालिया मीटिंग के सदर आली जनाब डॉक्टर हसनुद्दीन साहब, साहिब एजाज आली जनाब शेख रशीद साहब, शहर की मिली तंजीमों और अदारों के जिम्मेदारान दोस्तों और साथियों, शेख रशीद साहब 40 साल उनकी खिदमत का यहाँ पर इकरार किया जा रहा है। मैं 2000 के बाद एक्टिव हुआ था, तब विलास राव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, तो इस शहर में 27 HP के ऊपर 1 रुपया यूनिट बढ़ा दिया गया था। उद्योग समिति की साजिद अंसारी साहब और उनके साथ जाफर पान वाला ये सब शेख रशीद साहब के पास गए, वो बोले कि मैं इसको करवा देता हूँ। और कई मरतबा जाने के बाद विलास राव देशमुख इनको पहचानने लगा था, वो आधार ये उद्योग समिति वाले लोग दरवाजे पे आते थे तो बोलते थे ठीक है तुम्हारा काम याद है। ये विलास राव देशमुख के दोस्त थे, इसलिए वो 1 रुपया यूनिट जो है उसके बाद पॉलिसी बनाई कि 1 HP से लेकर 50 HP तक का एक ही रेट रहेगा। ये उनका बड़ा काम था इस सनद के लिए। उसके बाद पावर तिरुपति राजचौहान जो चीफ मिनिस्टर बने, मैं 880 हाई स्कूल के पास धरना जिले के शेख रशीद साहब भी बैठे थे। उस वक्त तो मैं तकरीर में बोला था अगर इनके दोस्त विलास राव देशमुख होते तो हमको यहाँ धरने पर नहीं बैठना पड़ता। ये उनकी खिदमत थी, मेरा हर वक्त मुखालफत में हमने काम किया, मगर जब जब भी हम गए तो हमारा काम करके दिए। उनके अंदर ये नहीं थे कि ये मेरे सियासी दुश्मन है या कुछ है, इनके अंदर एक खूबी है जो होने वाला रहेगा तो साफ बोल देते थे कि ये काम मैं कर दूंगा करवाता हूँ। ये और मैं उनसे इस स्टेज से ये गुजारिश करूँगा कि सफीर से हारून अंसारी स्त्री मिल जनता बैंक इंडस्ट्रियल सोसाइटी दिए हुए हैं और स्कूलें दिए हैं, आप ये अल्लाह जिंदगी दे रहे। अगर कांग्रेस NCP की हुकूमत आए आने वाले 24 में तो आप इस शहर को
मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।